Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनके द्वारा की गई एक भविष्यवाणी को लेकर क्या है खबर में खास, आइए देखते हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने देश को यूं तो कई सितारे दिए हैं, जिन्होंने उनकी ही कप्तानी में टीम में कदम रखा और आगे चलकर महानता के शिखर पर पहुंच गए। इनमें से सबसे बड़ा नाम आज महेंद्र सिंह धोनी का माना जाता है, जो आगे चलकर गांगुली की विरासत को नए मुकाम पर लेकर गए और भारत के सबसे सफल कप्तान भी बने। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व निदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि धोनी अपने पहले ही दौरे पर गांगुली की नजर में आ गए थे। भट्टाचार्य ने सौरव गांगुली के पॉडकास्ट में कहा, मुझे याद है कि मैं 2004 में बांग्लादेश की फ्लाइट पर था। गांगुली मुझसे कह रहे थे कि मेरे पास एक नया चाबुक बल्लेबाज आया है, आपको उसे देखना चाहिए, धोनी बड़ा स्टार बनेगा। 2004 का बांग्लादेश का दौरा धोनी का भारतीय टीम के साथ पहला दौरा था। इस दौरे पर हालांकि धोनी खास प्रभावित नहीं कर सके थे और पहले ही मैच में शून्य पर रन आउट हो गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज के लिए दोबारा टीम में चुना गया था। इस सीरीज में सौरव गांगुली ने अपनी जगह नंबर 3 पर धोनी को भेजा था और धोनी ने विशाखापट्टनम में खेले गए इस वनडे मैच में 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली थी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुर्खियां भी बटोरी थी। भट्टाचार्य ने सौरव गांगुली के लिए कहा, एक चीज में मुझे लगता है कि वो शानदार थे, वो आपको देखेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि आप में प्रतिभा नहीं है, अगर आप में प्रतिभा है तो वो आपका समर्थन करेंगे। भट्टाचार्य ने एक बात और साफ की कि सौरव गांगुली को मतलब नहीं है कि आपने रन बनाए या नहीं बनाए, आप फेल हुए या नहीं हुए, ये उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में अक्षमता है और जब दिन आपका होगा तो आप रन जरूर बनाएंगे। वेल, इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि सौरव गांगुली की जो भविष्यवाणी थी वो बहुत सटीक और सही थी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेक श्योर कि जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाली और भी कई तरह की ऐसी तमाम खबरें आपको लगातार मिलने वाली है सिर्फ खेल प्रेमी पर।